शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जो फ़ोटो फिल्टर के बाद लोगों की मनपसंद बन चुकी है। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर कि किस तरह इंस्टाग्राम दुनिया की बेस्ट फ़ोटो शेयरिंग ऐप बनी। इसका इस्तेमाल आम लोगों के अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी करती हैं। दोस्तों 7 सालों के अंदर इंस्टाग्राम बहुत मकबूल हो चुका था। इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम केविन स्ट्रॉम है जो 13 दिसंबर 1983 में पैदा हुआ। इसकी माँ जिप कार्ड की मार्केट एग्जैक्टिव थी और इसके वालिद टीजीएक्स कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे और स्कूल में पहली दफ़ा उसे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला और वो इसमें दिलचस्पी लेने लगा। शुरुआत उसने अपने दोस्तों के मैसेंजर आईडी हैक करने से की और जब उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई तो उसने कंप्यूटर सब्जेक्ट का इंतखाब किया और धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगी कि कंप्यूटर एक नॉलेजेबल सब्जेक्ट है जबकि वो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था। और फिर उसने आगे जाकर अपना सब्जेक्ट तब्दील करके मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। ये उन 12 बच्चों में से थे जिन्होंने मेफील्ड फेलो प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। 2009 को उसने काफ़ी रिस्क लेकर अपनी जॉब छोड़ दी और nextjob.com में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया। केविन अपना फारग वक्त इसी सोच में गुजारता था कि वो सोशल मीडिया पर भी कुछ करे और फाइनली उसने एक ऐप बनाया जिसका नाम उसने बर्गन रखा। जनवरी 2010 को फाइनली उसने अपना ऐप लॉन्च किया। उसको इस बात का पता था कि अगर इसने कुछ बड़ा करना है तो इसको को फाउंडर की ज़रूरत होगी। उसने अपने दोस्त माइक को ही अपना को फाउंडर बना लिया। बर्बर में फीचर ज़्यादा होने की वजह से लोगों को इतना पसंद नहीं आया और केविन को ये जल्द महसूस हुआ कि उसके ज़्यादा फीचर लोगों को पसंद नहीं आए और उसने सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग पर काम शुरू कर दिया। जब केविन और उसकी मंगेतर बीच पर सैर कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी ऐप कभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये ऐप मेरी खूबसूरती बढ़ाने की बजाय कम कर देती है। इसी बात से केविन को फिल्टर का आइडिया आया। फिर केविन और उसकी टीम ने 8 हफ्ते तक फिल्टर पर काम किया और 7 ऐप में काफ़ी चेंजिंग्स किए और फाइनली 6 अक्टूबर 2010 को उन्होंने दुनिया को इंस्टाग्राम से मिलाया। शुरू में ये सिर्फ आईफोन के लिए बनाई गई थी। एक तो आईफोन के कैमरे का रिजल्ट अच्छा होता था और दूसरा इंस्टाग्राम का फिल्टर इस्तेमाल करके तस्वीर कमाल हो जाती थी। आफ्टर 9 मंथ इंस्टाग्राम ने एक रिकॉर्ड बनाया जो कि 7 मिलियन डाउनलोड का था। इसने फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को इसको खरीदने पर मजबूर कर दिया। और भी कई कंपनियां इसको खरीदना चाहती थी लेकिन मार्क ने उसकी निस्बत डबल रेट पर उसे और उसके 13 एम्प्लॉय के साथ $1 बिलियन में खरीद लिया। तो दोस्तों बात यह है कि आप भी केविन जैसे बने और कामयाबी आपके पाँव छूएंगी। इसी से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।